दिल्ली और यूपी के बॉर्डर में हूँ। ये इलाका मयूर विहार का है और मेरे पीछे जो तो बैरिकेडिंग लगी हुई है, जो रैपिड एक्शन फोर्स की व्हीकल लगी हुई है, जो रायट कंट्रोल की व्हीकल लगी हुई है, जो दंगाइयों को रोकने के लिए नहीं है, ये इस देश के अन्नदाताओं, इस देश के किसानों के लिए लगाई गई है, जिससे इस देश के किसान कहीं राष्ट्र की राजधानी दिल्ली न पहुंच जाए। किसान शांतिपूर्ण तरीके से ग्रेटर नोएडा के इलाके में अपना आंदोलन कर रहे थे। जब उनकी महीनों तक बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने दिल्ली आने का मन बनाया और राष्ट्र की राजधानी की तरफ जब वो आना चाह रहे थे तो अमित शाह की दिल्ली पुलिस यहाँ पर लग गई है कि एक भी किसान कहीं दिल्ली में एंटर ना कर जाए। ये क्या बर्बरता है। जब भी किसान आना चाहता है आप उसके रास्ते में कीले बिछवाते हैं, बैरिकेडिंग लगवाते हैं, रायट व्हीकल लगवा देते हैं, पुलिस तैनात हो जाती है। इस देश के किसानों से आखिर ये सरकार क्यों डरती है। और आपको याद होना चाहिए कि ये किसान क्या मांग कर रहे हैं। ये अपनी फसल का उचित मुआवजा और अपने भूमि अधिग्रहण पर जो उचित मुआवजा सरकार की ओर से तय हुआ है उसकी मांग कर रहे हैं। जबरन उनकी जमीन हड़पी जा रही है और किसान यही तो कह रहा है कि हमारी जमीन हमें जो अगर आप ले रहे हैं तो उचित मुआवजा उसका दीजिए, हमें हमारी फसल का उचित दाम दीजिए। बजाय उनसे बैठकर समाधान निकालने के, बजाय उनसे बैठकर बात करने के, ये सरकार बार बार बर्बरता करती है। याद होगा 4 साल पहले इन्हीं किसानों में से 750 किसानों की शहादत हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी का दिल नहीं पसीजा। अमित शाह की दिल्ली पुलिस का यहाँ तैनात होना इस बात का प्रमाण है कि ये सरकार इस देश के अन्नदाताओं की, इस देश के किसानों की रत्ती भर इज्जत नहीं करती है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्र की राजधानी आना चाहते हैं, बार बार दिल्ली आने से उन्हें रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है? क्या दिल्ली किसी की बकौती है? क्या किसान दिल्ली नहीं आ सकता है? क्या दिल्ली बीजेपी के नाम कर दी है इस सरकार ने? किसान शांतिपूर्ण तरीके से आए, उससे बात कीजिए, समाधान निकालिए, वार्ता कीजिए, चर्चा कीजिए। लेकिन किसानों को आतंकियों की तरह ट्रीट करना, रायट व्हीकल लगवाना और यहाँ पर इतनी पुलिस की तैनाती, इस बात का प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी के दिल में किसानों के लिए जरा भी सम्मान है।